व्हाइट पसंद नहीं होता तो उसके लिए सिल्की सिल्वर हमने मंगवाया। सिल्की सिल्वर ये तो तीनों के तीनों जो है ये 9 इंच के अंदर है। ठीक है ठीक है भाई। ये 10 इंच का प्रॉपर फ्रेम है एज टू एज प्रॉपर फिटिंग के साथ। अब ये दोनों की आप लुक डिफर कर सकते हो। यहाँ फ्रेम बच जाता है, यहाँ पे फ्रेम पूरा एज टू एज है। अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है। ये फर्क है, ये 10 इंची फ्रेम है पियानो ब्लैक के अंदर। ये अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जो रेट उस टाइम बोला था आज भी रेट। स्टेरिंग कंट्रोल 2000 रुपए में। हाँ जी, जैसे बेस मॉडल में खाली ऊपर व्हाइट रंग की पट्टी आती है। हाँ हाँ। उसके अंदर हम अंदर DRL इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको एक चीज करना, छोटा सा आपको फर्क समझाने वाले हैं कि मार्केट में आजकल लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं ना, उस फ्रॉड से बचो। अब देखो दोनों भाई, ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं? हाँ, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ये भी ऐसे खुलेगा, ये भी ऐसे खुलेगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हो प्रभु सिंह की एक और नई वीडियो। आज हम आए हैं फिर से गुरप्रीत पाजी के कोल बिंद्रा मोटर। आज हमारे पास एसेसरी आ चुकी है किया कैरेंस की। जैसे हमने पीछे एक वीडियो बनाई थी किया कैरेंस के ऊपर, जिसमें हमने उसके अंदर OEM एक्सेसरीज दिखाई थी। हाँ। आज उसके अंदर हमारे पास और नई अपग्रेडेशन आई है, तो आज वही उसी कारण हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिले कि क्या क्या हो सकता है गाड़ी के अंदर और क्या करवाना चाहिए। और नई नई आइटम भी आ गई, कुछ नई आइटम, जैसे हम पिछली वीडियो में हम दिखा नहीं पाए थे बट हमारे पास स्टॉक में थी, तो हम एक क्लिप भी डालेंगे जिसमें हमने इंस्टॉल भी कर रखी है और आपको प्रॉपर आज दिखाएंगे भी क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास किया कैरेंस के लिए। एक एक चीज दिखाएंगे जो कस्टमर, जो जैसे अब पिछली वीडियो से लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट मिला है तो हमें भी लगा कि यार हमें भी कुछ नया करना चाहिए ताकि कस्टमर पुरानी वीडियो देख के बोर ना हो। हाँ। कुछ नयापन दिखे और ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट कट टू कट वीडियो बनेगी, ज्यादा बोरिंग हो जाती है और छोटी 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 चीजें दिखाएंगे, सब कुछ दिखा देंगे। कोशिश तो छोटी करते हैं, बड़ी बन जाती है। बाकी किसी भाई को चाहिए हो तो वो स्क्रीनशॉट खींचे और बता दे कि भैया मेरे को ये चीज देखी थी आपकी वीडियो में, ये चीज चाहिए। ठीक है ना, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज हम किया की एक्सेसरीज के बारे में बात करेंगे। पहले तो फ्रेम सिखाएंगे, पिछली बार हमने ये फ्रेम सिखाए थे। ठीक। अब जैसे हमने पिछली बार भी डबल कलर वाली दिखाई थी वेलकम लाइट, तो ये वेलकम लाइट की लुक एंड फील है जिस भाई ने हमारी पिछली वीडियो ने देखी थी। अच्छा, ब्लू और वाइट, ब्लू और वाइट में। ठीक है ठीक है ना, ये आपकी वेलकम लाइट आ जाएगी। ये भी अवेलेबल है, ये कंट्रोल सारे पड़े हुए हैं। किसी भाई को कंट्रोल सिर्फ चाहिए हो, कंट्रोल भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा काम कराएगा तो ही सामान मिलेगा, कोई एक चीज भी चाहिए तो एक चीज भी मिल जाएगी, कोई दो चीजें करानी है, तीन चीजें करानी है वो भी हो जाएगी। हमने एक एक चीज क्या एक एक फ्रेम तक शिप करा है। ठीक है, तो कस्टमर जानते हैं कि जो भी हम शिप बताते हैं वही करते हैं। अपना एक फ्रेम नया भी आ गया, नया एक फ्रेम आया है, जैसे पिछली बार हमने दिखाया था ये मैट फिनिश के अंदर 9 इंच का। आइए पिछली वीडियो में। ठीक है, अब दिखाए तो फर्क क्या है। ये भाई हमारा 9 इंच एंड्रॉयड है, ये 9 इंची का इसका प्रॉपर फ्रेम है। ठीक है ठीक है, ये आ गया मैट फिनिश में। अब किसी भाई को मैट फिनिश नहीं पसंद, उसके लिए ग्लॉसी है 9 इंच के अंदर, ये भी 9 इंची है। ठीक है जी, अब ये एक नया कलर हमने इंट्रोड्यूस करा है, कईयों को व्हाइट पसंद नहीं होता तो उसके लिए सिल्की सिल्वर हमने मंगवाया। सिल्की सिल्वर ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये तो तीनों के तीनों जो है ये 9 इंच के अंदर है। ठीक है ठीक है भाई। अब कोई का भाई कहता है कि यार हमें 10 इंच में चाहिए, हमें 9 इंच नहीं लगाना, 9 इंच वाली स्क्रीन तो नहीं लगेगी ना इसमें। ये 10 इंच के अंदर है, ये 10 इंच का प्रॉपर फ्रेम है एज टू एज प्रॉपर फिटिंग के साथ। अब ये दोनों की आप लुक डिफर कर सकते हो। यहाँ फ्रेम बच जाता है, यहाँ पे फ्रेम पूरा एज टू एज है। अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है, ये फर्क है, ये 10 इंची फ्रेम है पियानो ब्लैक के अंदर। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, डिस्प्ले साइज बहुत शानदार आता है। अगर 10 इंची में ये वाला लेना हो, ये वाला कलर तो हो जाएगा, हो जाएगा, वो तो जैसा मर्जी कस्टमाइज कर सकते हो। नॉर्मली जो रेडी रखते हैं पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक, ये दो कलर रेडी रखते हैं। इसके अंदर ये तीनों वैरायटी रेडी होती है, बाकी किसी भाई को अपने हिसाब से रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी चाहिए हो बन जाएगा, हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है हर चीज के अंदर, जैसे टेस्ट है वैसी। हाँ, जैसी कोई होते हैं, जैसे अपनी पूरी गाड़ी अंदर से थीम रेडी कराते हैं, रेड कराते हैं, किसी कोई रेड कराता है, कोई ब्लू कराता है, कोई ग्रीन कराता है, तो उसके हिसाब से सब कुछ रेडी हो जाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बात होगी फ्रेम की, फ्रेम हम तो हमने पिछली बार भी दिखाए थे। हाँ। हमारे पास इस बार भी है फ्रेम, इस बार नया आया 10 इंच के अंदर फ्रेम, 10 इंची में नया फ्रेम आया। बिल्कुल 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 ठीक है। कंट्रोल हमने दिखा दिया, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ग्लॉसी मिल जाएगा अपने पास, मैट ब्लैक मिल जाएगा, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। एक बार प्राइस बता दो इसका। 2000 रुपये भाई, ये नहीं कि अब वीडियो दूसरी बना रहे तो इसमें रेट बढ़ा देंगे, जो रेट उस टाइम बोला था आज भी रेट। स्टेयरिंग कंट्रोल 2000 रुपये में। हाँ जी, फिटिंग कराओगे, फिटिंग के पैसे एक्स्ट्रा है, अगर पहले आपकी गाड़ी में स्टीरो लगा होगा तो हमसे कराओगे तो फिटिंग फ्री रहेगी। बेस मॉडल वालों के लिए DRL आई है,
जैसे बेस मॉडल में खाली ऊपर व्हाइट रंग की पट्टी आती है, उसके अंदर हम अंदर DRL इंस्टॉल कर सकते हैं LED में प्रॉपर, और वो भी मैट्रिक्स के अंदर, ये देखो, और बहुत शानदार लगती है और बहुत ब्राइट है। इसमें वायरिंग कट तो होती है? कुछ भी नहीं होती, ये देखो। ना इंडिकेटर, अच्छा ये मैट्रिक्स में रहेगा ना, मतलब टॉप मॉडल बन जाएगी पूरी गाड़ी, काफी अच्छी लुक बन जाती है गाड़ी की। जैसे बेसिक सी जो वाइट पट्टी है उसके अंदर एलईडी हो जाएगी रिप्लेस हमारी, और बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही साथ हमारे पास ये क्रोम आया नया, ये कहाँ लगता है? ये साइड बीडिंग क्रोम होता है, ये यू क्रोम कहते हैं इसे। ये मिल जाएगा, ये पिछली बार हमने वीडियो में नहीं दिखाया था, ये मिल जाएगी। साइड बीडिंग होती है बेसिकली, ये सेट ऑफ 4 पीस होता है, ये भी अपने पास अवेलेबल है। लोअर विंडो गार्निश मिल जाएगी, ये 6 पीस की है, ठीक है। हाँ, ये पीछे के पीछे वाले पीस है और ये कॉर्नर वाले 4 पीस है। ये शीशे के जो नीचे लगते हैं, शीशे के जो नीचे लगती है, एसएस के अंदर होती है ये। गार्निश लगाई है सेट ऑफ 6 पीस की, पीछे तक पूरा यू तक कवर होता है। ये पीस होता है, ये पीस होता है और ये पीस होता है। ये ऐसे आएंगे और ये ऐसे पीस, उसका पीछे का पीस है, तो ये ऐसे लगते हैं। हमने एक निकाल दिया था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये ऐसे साइड में दरवाजे में लगती है, जो उसका मैट फिनिश वाला आर्क होता है उस पर ये पूरी लगती है। ये मिल जाएगी अपने पास रेडी। ये DRL का आपको सेटअप दिखाया था, ये DRL ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, हमारे पास ये हमने एम्बिएंट लाइट दिखाई थी, ये हमारी एक्टिव एम्बिएंट लाइट है, एलईडी वाली कार्डी अल्ट्रा लाइट की एक्टिव एम्बिएंट लाइट है। K3 बोलते हैं क्या? K3 बोलते हैं, ये एक्टिव अल्ट्रा LED कहते हैं, ये LED वाली होती है। ये सेट ऑफ 9 पीस, 14 पीस, 18 पीस सब अवेलेबल है, ये मिल जाएगी। इसका जो आता है इंटरफेस थोड़ा अलग तरीके का आता है, ये इसके मॉड्यूल आते हैं, ये कंट्रोलर आते हैं, ये इसके अंदर सेंसर सिस्टम होता है, मतलब पूरा सेट आता है, सेट आता है। ये चीज़ ही बहुत यूनिक है, वायरिंग वायरिंग। हाँ, ये इसमें ये सेंसर सिस्टम है और ये बटन सिस्टम है, ये बटन के हिसाब से चलता है, कोई एक्स्ट्रा तार जाने नहीं। ना, बहुत बढ़िया। और लगने के बाद जजमेंट ही नहीं होती कि गाड़ी में कोई चीज़ लगी है कि नहीं लगी। अब किसी भाई को ये चीज़ इससे बेसिक चीज में चाहिए तो अपने पास ये गाड़ी की 6 पीस वाली ब्लैक में मिल जाएगी। और ये अपना कितना पीस था वाला? ये 6 पीस का, वो वाला 9 पीस का था, उसमें 14 और 18 भी मिल जाएंगे। ये 6 पीस की लेटेस्ट आई है कार्डी की, इसके प्रोजेक्टर भी अलग तरीके के हैं। चीज़ वही है, चीज़ वही है, क्योंकि लाइट भी वही है। हाँ, इसके अंदर जब स्कैन करेंगे तो हैप्पी लाइटिंग के नाम से एप्लीकेशन आएगा, वो कार्डी की पहचान है। और उसका कार्डी का एप्लीकेशन ही अलग है, वो नॉर्मल वाला एप्लीकेशन नहीं चलता, उसमें कार्डी का प्रॉपर एप्लीकेशन चलता है। ये हैप्पी लाइटिंग के हिसाब से चलता है एप्लीकेशन से। इसमें स्मोक मिल जाएगा आपको, वाइट मिल जाएगा, दोनों कलर मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंट वाला जो होता है, ट्रांसपेरेंट वाला मिल जाएगा, स्मोक वाला मिल जाएगा। इसके अंदर हमारे पास 6 पीस, पहले 5 पीस आता, अब 6 पीस में मिल जाएगी। 6 पीस, 9 पीस, 14 पीस और 18 पीस, ये सारे अवेलेबल है, ये सारी की सारी वैरायटी मिल जाएगी। ये आपकी 9 पीस वाली आ गई, ये सॉरी 14 पीस वाली आ गई। हाँ, 14 पीस वाली भी दिखाया था। इसमें ये वाइट एम्बिएंट लाइट आती है, ऑप्शन होता है ब्लैक वाइट का। अब जैसे इसमें ये भी आता है, ये भी मिल जाएगा अपने पास। अब ये जो हमारी कार्डी की है, ये Gen 3 है, ठीक है। ये इसमें वाइट स्मोक दोनों मिल जाएंगे। ये डोर्स की आती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके कप होल्डर के अंदर भी आगे भी 2 पीस होंगे, इसके अंदर 4 पीस पैरों में होंगे, ठीक है, ठीक है। और आपके डोर्स के अंदर भी 2-2 पीस होंगे, तो ये टोटल 14 पीस वाली है। हाँ, ये कप होल्डर में ऐसे लगती है, ये देखो ऐसे लाती है, ये भी रहती है, ये लिखा हुआ कार्डी। जो चीज़ बोलते हैं वही चीज़ होती है, ये नहीं कि बोलो कुछ और लगाओ कुछ कस्टमर को, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी चीज़ है पहले क्लैरिटी रहती है, कस्टमर वीडियो देख के ही समझ आता है कि भाई जो चीज़ बता रहे हैं वो वही चीज़ वैसी है, वैसी दिखा रहे हैं। अगर किसी कस्टमर को चाहिए तो अपना स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट खींचे। इसमें देखो सारा कुछ लिखा हुआ, 14 पीस की किट में क्या क्या होता है। ये दो डैशबोर्ड हो गए, दो डोर लाइनर हो गए आपके, 4 फुट हो गए, 4 हैंडल हो गए। हैंडल में लगा लो या कप होल्डर में लगा लो, वो कस्टमर की चॉइस होती है जी। ये तो 3 वैरायटी आपको उसके अंदर ही दिखा दी हमने, कार्डी के अंदर ही दिखा दी। अच्छा, बेसिक के अंदर जैसे कई भाइयों की गाड़ियों में मड फ्लैप नहीं लगे होते, तो मड फ्लैप भी मिल जाएंगे। ये किया कह रहे हैं इसके मड फ्लैप है, ठीक है, ये भी मिल जाएंगे। किसी को ये भी चीज़ चाहिए हो पर्टिकुलर, ये भी चीज़ मिल जाए करेगी। हाँ जी, ये मैट है जो पीछे दिखाए थे, प्रॉपर कट के हिसाब से GFX कंपनी के, बेस्ट चीज़ है। डोर वाइजर मिल जाएंगे आपको, ये किया कह रहे हैं इसके, ये एजिंग वाले। अभी एक आपको दिखाएंगे हमने जो अभी गाड़ी के अंदर फिटिंग करी है,
अभी जो गाड़ी में हमने फिटिंग करी है उसके अंदर यही मैट लगाए हमने, ये लॉक वाले मैट होते हैं। पिछली बार बिना लॉक वाले दिखाए थे। हाँ ये लॉक वाले मैट है, हाँ ऑटोजेन कंपनी के हैं, ये लॉक फिटिंग है इसके साथ और साइडों में लॉक दे रखे हैं ताकि मैट स्लिप ना हो आपके, प्रॉपर इसके अंदर एज दे रखा है कटिंग के लिए। तो रिमूव है ना? हाँ जी हाँ जी, रिमूवेबल है ये, इसको उतार के। हाँ और थर्ड रो तक का मैट होगा पूरा, फर्स्ट आगे दो पीस होंगे पीछे पूरा वन पीस होगा, डिग्गी नहीं, मैट लगे हैं प्रॉपर लॉक फिटिंग वाले साइडों में, इसमें ग्रूव होते हैं, लॉक होते हैं, ये कहीं नहीं जाता, स्टेबल रहता है मैट, स्लिप नहीं करता, ये सारे लॉक से टाइट हो रखा है, ये आप मैट देख सकते हो, पूरा थर्ड रो तक का मैट है ये, इसकी आगे की फिटिंग है, ये इसकी सेकेंड रो की फिटिंग है और ये प्रॉपर थर्ड रो की फिटिंग है, प्रॉपर लॉक सिस्टम है, प्रॉपर इक्लिप्स लगी हुई है इसके अंदर, ये कहीं मैट जाता नहीं है और सब ये वेलक्रो। अब आपको एक चीज का ना छोटा सा आपको फर्क समझाने वाले हैं कि मार्केट में आजकल लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं ना, उस फ्रॉड से बचो। अब देखो दोनों भाई, ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं? हाँ दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, ये भी ऐसे खुलेगा, ये भी ऐसे खुलेगा, हाँ। लाइट भी यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे भी लाइट का बना हुआ एनिमेशन, यहाँ पे भी लाइट का एनिमेशन बना हुआ, आवाज में है फर्क थोड़ा सा यहाँ पे फर्क दिख रहा है आपको। अच्छा। अगर आपको कोई ये जैसे आपने एक बंदे से किसी से मंगाया सनग्लास होल्डर, उठा के इनमें से कोई भी दे दे एक कोई, तो आप बता सकते हो कौन सा कैसा है? नहीं। जेन्युइन और डुप्लीकेट में फर्क पता लग रहा है? ऐसे नहीं पता लग रहा, हाँ, ऐसे नहीं पता लग रहा। आप दिखाता हूँ, ये चाइनीज है, लेफ्ट वाला ये जेन्युइन है। अच्छा इसमें बैजिंग है, समझ गए। ऐसा नहीं कि ये चीज बुरी है, बट इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है, ये 5,000 रुपए का, ये 3,500 रुपए का, 1,500 रुपए का रेट का ही फर्क है, पर दोनों सेम है, लुक अलाइक है दोनों, ठीक है। थोड़ा हल्का सा है, हल्का सा फर्क इसलिए पता लग रहा है क्योंकि दोनों चीजें सामने है। हाँ। खाली एक ही बंदा आपको एक ही चीज दिखाया कि यही आता है, तो फिर क्या कैसे जज करोगे, समझ रहे हो सर? ये होती है बात, दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसने जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए जेन्युइन ले लो, जिसने इंपोर्टेड चाहिए इंपोर्टेड भी मिल जाएगा, कॉस्टिंग में काफी फर्क है। वो फर्क है बिल्कुल जाहिर फर्क बताएंगे, जो कस्टमर का ऑप्शन मतलब जो उसको ठीक लगेगा वो अपनी गाड़ी में लगवाए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप चाइनीज लो या इम्पोर्टेड लो या जेन्युइन लो, जो आपकी पॉकेट में कंफर्टेबली आप लगवा सको आप वो चीज़ लो। देखने में तो सेम ही लग रहा है, सिमिलर लगने के बाद कोई पता नहीं लगेगा, बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब स्टीयरिंग कंट्रोल जो हमने दिखाया था पिछली बार भी और अभी जो दिखा रहे हैं भाई, किया के जेन्युइन है, ठीक है, चाहे कोई भी पीस उठा लो। सारे किया के ही है, कई लोग बेवकूफ बनाते हैं, इसका रेट सस्ता डाल देंगे, बुला लेंगे कस्टमर को खाली एक चीज के लिए, वो एक चीज एंटरटेन भी नहीं करेंगे ना देंगे वो एक चीज के लिए। स्टॉक पूरा अपने पास, जो चीज चाहिए मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने अभी बेसिक एक्सेसरीज के बारे में बताया था, अब इसके बाद अगर किसी को ऑडियो अपग्रेड कराना हो कार के अंदर, जैसे एंड्रॉयड तो हमने दिखाए थे, ऐसे कंपोनेंट्स मिल, किसी को अपने स्पीकर खाली अपग्रेड करने हो सेकंड मॉडल हो किसी का, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा पावर बेस का। स्टार्टिंग तो जीबीएल वगैरह मिल जाएंगे, बट उससे प्रीमियम क्वालिटी में है। सबसे बड़ी बात पेपर कोन के अंदर है, ये पेपर कोन में है, लैमिनेटेड है कोन पूरी, बेस इफेक्ट बहुत अच्छा है, 2.5 mm का सिल्क डोम ट्यूटर है, क्रॉसओवर साथ में आएगा, ये आपको पूरी पैकिंग दिखा देता हूँ इसकी। इसका तो बड़ा डिसेंट है, बहुत डिसेंट आवाज है इसकी और बहुत जबरदस्त है, ऐसा नहीं है कोई। ये इसका ट्यूटर आएगा, डिसेंट है, और आवाज भी बहुत मीठी मीठी आवाज है, जबरदस्त, जो कस्टमर लाइक करते हैं कि हमें इन कैबिन अच्छी क्वालिटी चाहिए, ये क्रॉसओवर है इसका, ये बड़ा शानदार, बहुत शानदार है। आगे ऐसा कंपोनेंट लगवा लीजिए और पीछे जो इसके कोएक्सियल आते हैं, वो सबसे छोटा वाला कौन सा दिखाता है? अच्छा ऑडिसन का था वो, सब है ऑडिसन वगैरह सब दिखाएंगे, ये तो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग लेवल एंट्री लेवल दिखा रहे हैं। पीछे ये लगते हैं, आगे ये लगते हैं, बट जब अपग्रेड करो तो साथ में ऐसे ये डैम्पिंग शुरू करवाना, ये डैम्पिंग जरूर कराना, डैम्पिंग से एक बेस इफेक्ट बहुत अच्छा बनता है कार के अंदर, और हैवी भी हो जाते हैं डोर्स, हैवी हो जाते हैं, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है गाड़ी में, हीट वगैरह की कंप्लेंट नहीं आती, और एफिशिएंसी भी, स्पीड ब्रांड मिल जाएगा सिटी के में, सिटी के भी मिल जाएगा, बट हम वाइब्रो फिल्टर में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वाइब्रो फिल्टर की डैम्पिंग यूज़ करते हैं, और एसटीपी, ये दो ब्रांड में डील करते हैं।
ठीक है। और फिर स्पीकर्स के अंदर रेंज ऑडिशन मिल जाएगा आपको, स्टैग मिल जाएगा, ग्राउंड जीरो मिल जाएंगे, रेनबो मिल जाएगा, हीलिक्स मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। जो मर्जी आप, जो आपका आपका टेस्ट हो जिस हिसाब से वो चीज़ें मिल जाएंगी जी। ये तो हुई आपकी ऑडियो अपग्रेड की। इसके बाद अंडर सीट मिल जाएंगे, बेस ट्यूब्स मिल जाएंगे हमारे पास, जो भी चीज़ किसी को भाई को चाहिए हो। अच्छा, एक आजकल जिस हिसाब से गर्मियाँ, जिस गर्मी है एसी प्रॉपर आजकल कूलिंग नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास क्लियर फिल्म्स मिल जाएंगी आपको। क्लियर फिल्म्स की भी आपके पास बताते हैं कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, वो चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है, घरवाले की फिल्म आती है फ्रंट के लिए और एंड साइड्स के लिए, पर अपनी हीट नहीं पड़ेगी। हाँ, हीट नहीं आएगी, 25% तक हीट रोकती है वो फिल्म। आपको अभी दिखाते हैं कि कौन सी हमारे पास वैरायटी उसके अंदर है। वो मिल जाएगी, टिंटेड ग्रीन मिल जाएगी, जैसे बेलिनो की वीडियो में हमने दिखाया था वो चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, जो हम फिल्म की बात कर रहे थे प्रभी भाई, वो ये फिल्म होती है, ये फ्रंट के लिए आती है स्पेशल, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, हीट रिजेक्शन 25%, विजिबल लाइट 70%, मतलब क्लियर टिंट है 70%, और 99% यूवी रिजेक्शन है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा ये फ्रंट पे लगती है, आपको हर जगह मिल जाएगी ये। बट जो अब हम चीज़ दिखाने जा रहे हैं ये प्रीमियम क्वालिटी में आती है, इसे आई स्कूल शील्ड कहते हैं। फ़र्क क्या है, 50% हीट रिजेक्शन, 70% क्लियर और 99%, मतलब हीट रिजेक्शन का डबल का फर्क, ठीक है। आप कई लोग ऐसे कहेंगे कि भाई अब ये दो किट्टे लगा लेंगे तो 50% तो ये भी हो जाएगी, बट उनको ये नहीं पता ना कि डार्क हो जाएगी फिल्म। हाँ, डार्क हो जाएगी। अब एक चीज के ऊपर एक चीज लगाओगे तो डार्कनेस तो आएगी ना थोड़ी सी, तो ये 70% क्लियर है। ये एक लगाओ छुट्टी फ्रंट में और साइडों में कर्टन लगाओ, दी बेस्ट सोल्यूशन है। और बीट द हीट कहते हैं जैसे, वो चीज है, ये गाड़ी का इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, कूलिंग का जबरदस्त रहेगा, और कोई चलान जलान का कोई सिरदर्द ही नहीं, ट्रांसपेरेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जैसे हम फोन पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं क्लियर, वैसे ही होता है वो चीज़। ये हाँ, तो ये सारी एक्सेसरीज थी। बाकी किसी भाई को कुछ भी चाहिए हो, कोई भी चीज़ आपको अगर अपनी सिटी में चाहिए हो, आप हमारे पास नहीं आ सकते, तो वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब मैं आपको जैसे DRL हमने दिखाई, तो DRL तो हमने ऊपर तो वाइट कर दी, बट हमने हेडलाइट के बल्ब वाइट नहीं करे, तो उसके लिए ये दो प्रोडक्ट है, वो येलो रैन दिए, उसके लिए भी हमारे पास दो प्रोडक्ट है। दो क्या, वैसे प्रोडक्ट तो सारी रेंज है हमारे पास, मैक्सलिंग वगैरह भी मिल जाएगा, स्टार्टिंग डैप्स है, सेकंड मैक्सलिंग है, उसके बाद प्रीमियम में ये चीज़ें आती हैं 120 वॉट एंड 140 वॉट। 140 और 120, मतलब 60 वॉट का पीस और 70 वॉट का पीस। फर्क समझाए तो मैक्सलिंग की जो आती है 74 वॉट की GT, वो 74 वाट का पेयर है, मतलब 37 वाट का पीस, तो उससे तो काफ़ी तेज़ है ये। और सबसे बड़ी बात, कैनवस डिकोडर के साथ है ये, कोई एरर वगैरह नहीं आएगा इसके अंदर। ये इसकी मैं आपको बिल्ड क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं है, प्लग एंड प्ले है और बहुत प्रीमियम क्वालिटी के अंदर, कॉपर कॉइल के अंदर है, इसमें कॉपर है, ये हीट श्रिंक होती है इसके अंदर। और फैन की भी ना कोई आवाज़ नहीं है ज़्यादा, जैसे लाउड होती है ना आवाज़, वो चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी है। और एक साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है इसकी। ब्लास्टर करते क्या करते? ये कैनवस होता है इसका भी है। जी, कोई एरर वगैरह नहीं आता मीटर के अंदर। आजकल जितनी भी हुंडई और किया की गाड़ियां आ रही है ना, उसके अंदर अगर कोई बल्ब वगैरह भी अगर खराब होता है तो उसके अंदर मीटर पर लाइट आ जाती है, हाँ वार्निंग लाइट आ जाती है, तो ये वो लाइट नहीं आने देगा। अगर बंद होगा ऑब्वियसली बात है तो बताएगा, बट कि अगर हम इसके अंदर रिप्लेस करते हैं हेलोजन की जगह ये लगाते हैं तो कोई, ये सिल्वर कलर में आती है। अच्छा, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, लगने की बात तो दिखती नहीं है पर। बिल्कुल बिल्कुल, ब्राइटनेस दिखाता हूं ना आपको, ब्राइटनेस कितनी इसकी तेज है। पीछे हो गया ये तेज है, ये बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। बेचने को दिन में बहुत ब्राइट है, रात को तो बहुत जबरदस्त है। लोग प्रोजेक्टर के अंदर इसको लगाते हैं और रिस्पांस बहुत अल्टीमेट है इसका। भाई दिखाने को तो मैं 10 तरीके के ब्रांड दिखा दूं, घुमा फिरा के बोलूं कि भाई ये सब वैरायटी है, लेकिन घूम फिर के एक ही ब्रांड बेचना है, तो फिर जो बेचना है फिर वही दिखाओ ना, वही जो बेस्ट है, जो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट में से जो बेस्ट चीज़ आती है वो दिखाओ। इतनी लंबी, हाँ कोई इतनी 10 तरीके की चीज़ें दिखाओगे, फिर घूम फिर के एक ही चीज़ बेचनी है, तो चीज़ वही दिखाओ जो बेस्ट है। हाँ, जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ पहले कस्टमर को दिखाओ, बाकी कस्टमर की ऑप्शन है कि उसको बेसिक लेनी है या प्रीमियम में जाना है। सही बात है, ये चीज़ है। बाकी ये चीज़ हमारा छोटा सा इनिशिएटिव जो हमने लिया था किया करें इसके लिए, होपफुली जैसे पिछली वीडियो में सबने प्यार दिया था, इस वीडियो में भी लोग प्यार दें। जैसे आप दिखा सकते हैं, हम ये कोरियर वगैरह कर रहे हैं खोल के, ये सब कोरियर हो रहा है सामान, डैम्पिंग इसमें अभी स्पीकर्स ऐड हो रहे हैं सारा कुछ। जी 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 जी, ये कस्टमर का फ़ोन आया था तो उसका हम सारा सामान पैक कर रहे हैं, तो ऐसे आते रहते हैं। तो बस आप सबका प्यार चाहिए, जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, अप्रिशिएट करोगे, हम और नई से नई वीडियो दिखाएंगे। शेयर करो, अप्रिशिएट करो हमारी वीडियो को,
और बताइए, और आपको किस चीज़ में भी आपको वीडियोस चाहिए तो हम उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी प्रवी भाई को बोलेंगे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दें साथ के साथ, और यूट्यूब का जो हमारा जो वेब पेज है जिसके में हम अपडेट डालते रहते हैं वो, हाँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9871807131। नाम मेरा गुरप्रीत है, बिंद्रा मोटर्स मेरी शॉप का नाम है, F78 शॉप नंबर 3 ऑपोजिट दिल्ली हाट जनकपुरी। तो दिल्ली हाट सुन के कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि दिल्ली में 3 दिल्ली हाट है, ये जनकपुरी वाला दिल्ली हाट है। तो जनकपुरी वाले दिल्ली हाट के बिल्कुल एग्जिट गेट के सामने शॉप है। तो किसी भी भाई को कोई भी चीज़ चाहिए हो, चाहे कोई भी चीज़ कोरियर भी चाहिए हो, तो वो चीज़ भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हम जो थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, इतना सामान इकट्ठा करके एक वीडियो बनाते हैं, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो आपके किया वाले दोस्त हैं जिन्होंने किया कैरेंस लिया, उनको ये वीडियो दिखाइए कि ये प्रोडक्ट्स लग सकते हैं, और आप सबका सपोर्ट चाहिए हमें, बस यही बोलूँगा। फिर एंडिंग करें, बिल्कुल एंडिंग करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ओके, टिल देन बाय, चंगा जी।